जेपी पावर प्लांट के मुख्य गेट पर बड़ी संख्या में बैठे किसान, प्लांट का रास्ता किया बंद, 27 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान कर रहे हैं प्रदर्शन। दरअसल भाजपा किसान मोर्चा के नेतृत्व में जेपी पावर प्लांट के मुख्य गेट पर बड़ी संख्या में किसानों ने धरना प्रदर्शन कर जेपी प्रबंधन व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, जिससे प्लांट में जाने का रास्ता किसानों ने पूरी तरह बंद कर दिया। किसानों का कहना है कि शाम तक अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अधिग्रहण की गई जमीन को जोतेंगे। किसानों के द्वारा स्थानीय रोजगार सहित 27 सूत्रीय मांगों को लेकर कई बार पहले भी प्रदर्शन किया जा चुका है, लेकिन प्रशासन और जेपी प्रबंधन के आश्वासन के बाद भी मांगों को पूरा नहीं किया गया। जहां एक ओर भाजपा पदाधिकारियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस और भाजपा के कुछ नेता भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। विधायक महेश राय भी कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे किसानों से चर्चा की। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सागर कलेक्टर दीपक आर्य एवं सागर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी भी राजस्व अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच रहे हैं। तत्कालीन प्रदर्शन है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी जब तक बैठेंगे। या तो जेपी कंपनी हमारी मांगें पूरी करे, या हम लोगों को जो सख्ती करना है पुलिस प्रशासन द्वारा, या जेल भिजवाना है, जो करवाना है, केस लगवाना लगवाएं, हम लोग तैयार हैं। या तो हमारी मांगें पूरी हो, और मांगें पूरी नहीं होती हैं और समय लगता है, तो हम लोग जेपी की जो किसानों की खेती पड़ी है खाली जेपी कंपनी के अंडर में, वो हम लोग बखरनी करेंगे, जुताई करेंगे, बुआई करेंगे, जमीनें चली गई। कोई किसान है नौकरी नहीं लगाएगा, या बहनों किसान की जमीन पड़ती डरी है। उसी दिन से जी दिन से आज 15-20 साल हो गए, कोई किसान को न नौकरी लगा या न कोई किसान की सुनाई भैया। और ऊ बगले है जो तला बनाए गए हैं, भी आप चल के सब जने देख लो, अगर वो झूठ जंगा हो, इतनी राख बुरी है हिन्नौद में, पूरे गांव भर के जो बच्ची बच्चा है छोटे छोटे पाटों में और जाकर उनके मुंह में लगती है, तो साहब इलाज कहाँ करवाए, क्या करें बताओ। है अगर 4 बजे तक हमारी मांगों पर कोई आश्वासन नहीं दिया जाता, तो 5 बजे जो हमारी किसानों की खुद की जमीनें हैं उनको बखल लिया जाएगा। पूरे क्षेत्र का किसान यहाँ पे है, और अगर जरूरत पड़ी तो राकेश टकर, डॉक्टर सुनीलम, मेधाताई, योगेंद्र यादव यहाँ पर आएंगे और किसानों की जमीनें वापस देने होंगी। 5 बजे हम लोग सब अपने अपने ट्रैक्टर लाके अपनी अपनी जमीनें बखल लेंगे। धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। आज मैंने खुद जाके देखा, यहाँ सारे किसान लोग 10-12 गाँव के साथ इतने परेशान हैं कि उनकी जमीनें खंडर पड़ी हुई हैं। और सर जेपी जो प्रबंधन ने जो बातें की थी उस जमाने में, जब जमीन ली थी इन लोगों से, आपके लिए रोजगार देंगे, आपके बच्चों को रोजगार देंगे और हर सुविधा देंगे आपके लिए, इस सब बेस प्रशासन ने और किसानों ने अपनी जमीनें दी थी, लेकिन वह जमीनें आज भी बंजर पड़ी हुई हैं, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। आज पूरा किसान परेशान है जेपी प्लांट के कारण, या आस पास जो केमिकल के कारण बहुत ज़्यादा किसानों को नुकसान हो रहा है। ज़मीनों में अच्छी उपजाऊ जमीन नहीं हो पा रही, जमीनों में कुछ निकल ही रहा है, क्योंकि इसका जो रसायन फैलता है पूरे क्षेत्र में, किसान वैसे ही परेशान है, वैसे परेशान थे। और जब फैक्ट्री लगने से केमिकल के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सारे किसानों का जो मैं बीना विधानसभा के जो भी किसान हैं उनका मैं समर्थन करने आई हूँ। इनकी मांगे जायज हैं, जैसे कि जब जेपी पावर प्लांट का निर्माण हुआ था तो आजू बाजू के जिन लोगों के, जिन किसानों की जमीनें जेपी पावर प्लांट बनाने में अधिग्रहण की गई थी, उनकी मांगे थी, क्योंकि उस समय इन लोगों ने वादा किया था कि भूमि अधिग्रहण में उन किसानों की जिनकी भी जमीन जाएंगी हर व्यक्ति को वहाँ सरकार यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। लेकिन आज तक जेपी पावर प्लांट के लोगों ने, जो भी इनके प्रबंधक हैं, जो भी इन लोग कंपनी है, जिसकी कंपनी है, उन लोगों ने इन किसानों को अभी भी भूमि, जिन लोगों की भूमि गई उनकी ये नौकरी नहीं दी।